हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए इन्फोसिस की हम बात करेंगे यहाँ पे। देखिए इन्फोसिस का शेयर 430 में ले लो, 430 में ले लो, ऐसा चल रहा होगा। अब आप कहोगे यार ये 430 का नंबर आपके पास कहाँ से आया, वो तो हमारे पास जी टेक्निकल चार्ट से आया। लेकिन यहाँ पे कोई भी आपको कहे 430 में ले लो, लेकिन यहाँ पे तो भाई वो रेडी वाला सिस्टम है। नहीं भैया, ठीक ठीक लगा लो, अभी तो मंदी का टाइम है, अभी हमको नहीं लेना 430 में। अभी तो पूरी यूरोप मार्केट गिरी हुई है, अमेरिका मार्केट गिरी हुई है, और इन्फोसिस जैसे टीसीएस जैसे शेयर्स की कमाई वहाँ से होती है। जब वो मार्केट से नहीं उठ पाएंगी तो कि कैसे, अभी तो टाइम लगेगा इसको रिकवर होने में। अभी तो भाई मंदी का टाइम है, मुझे नहीं लेना। हाँ, थोड़ा और सस्ता मिलेगा, थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा तो लूंगा, इस तरीके से व्यूज। अब देखिए, एक जनरल पब्लिक की मैं बात कह रहा हूँ, अगर अगर एक जनरल पब्लिक इस तरीके से सोच सकती है मंदी का टाइम किसी भी सामान को लेने में, तो एक आज की डेट में ये जो रिटेल इन्वेस्टर है, यहाँ पे जनरल पब्लिक है, इसको भी इसी तरीके से सोच रखनी चाहिए और समझनी चाहिए सिचुएशन को, किस तरीके की सिचुएशन है। चलिए जानते हैं इन्फोसिस के शेयर के बारे में, इसके लेवल्स के बारे में, और क्यों ये और नीचे गिर सकता है उसके ऊपर भी बात करते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में अगर आप शेयर मार्केट में नए हो और अब तक आपने डीमैट अकाउंट ही नहीं ओपन किया, तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए, तभी तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। बात कर रहे थे हम इन्फोसिस लिमिटेड की, जो कि आईटी इंडस्ट्री का सेकंड बड़ी कंपनी। देखिए गिरते गिरते 583 के लेवल पे आ चुका है। आज की डेट में 9.5% की गिरावट ऑलरेडी आपने देखी, इसमें बड़ी गिरावट। लेकिन मुझे लगता है कि ये गिरावट और नीचे आ सकती है। और नीचे कैसे, अब आपको यार कितने नीचे आएगी? अभी कुछ दिन पहले तो और नीचे, ये 570 के लेवल पे आया था 13 मार्च को, और कितना नीचे आएगा ये? भाई बहुत नीचे आ सकता है, जरा समझ जाए। पूरा का पूरा यूरोप जो है कब्जे में आ चुका है वायरस के, पूरा का पूरा यूरोप। अमेरिका में पूरी तलवार लटकी हुई है। इन कंपनीज के लिए सबसे बढ़िया सबसे अच्छी बात है, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी है। मतलब आईटी कंपनी लोग घर से काम कर सकते हैं, लेकिन बाकी नए प्रोजेक्ट्स कैसे आएंगे मार्केट में? भाई जब कंपनीज के पास, बाकी लोगों के पास काम होगा नहीं, तो कैसे इनको काम देगा? तो आने वाले टाइम के लिए वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि अच्छा शेयर है, सस्ते में मिल रहा है, खरीद लो खरीद लो, भाई खरीद तो लोगे आप नो डाउट, लेकिन उसका बिजनेस तो देखो, बिजनेस पूरा ठप पड़ा है। कहाँ किस चीज़ का बिजनेस हो रहा है? अभी आप देखिए एयरलाइन पूरी खत्म हो रही होती भी जा रही है, ये मान के चलिए कि पूरी ग्लोबल लेवल पे एयरलाइन का बिजनेस ठप हो चुका है। ठप बिल्कुल, मतलब हॉल्ट। 1 महीने 2 महीने तक अगर बिजनेस नहीं होगा तो लोग अपनी यहाँ पे इम्प्लॉयज को सैलरी कैसे देंगे, इस पॉइंट को समझिए। टूरिज्म का बिजनेस पूरा ठप हो चुका है, होटल्स बिल्कुल ठप हो चुके हैं, बड़े बड़े रिजॉर्ट ठप हो चुके हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन ठप हो चुकी हैं। कैसे कैसे वो लोग सैलरी देंगे? जब सैलरी नहीं दे पाएंगे क्या होगा? जॉब लॉसेस होंगी, तो कैसे कैसे कमाई होगी? तो ये सारी चीज़ों को आप ये कॉन्सिक्वेंसेज देखिए। खाली वायरस से ना डरें, वायरस के कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो ज़्यादा, जो इसके परिणाम जो भुगतने पड़ेंगे आम पब्लिक को आने वाले टाइम पे, वो ज़्यादा खतरनाक है। वायरस तो ठीक है, एक नॉर्मल है, मैं कहूँगा कि रिकवर हो जाओगे, 92% पब्लिक रिकवर हो रही है, रिकवर हो जाएंगे लोग नो डाउट, लेकिन ये जो कॉन्सिक्वेंसेज है इनको रिकवर करने में टाइम लगेगा। इसीलिए इन्फोसिस के शेयर को भी मैं देख पा रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और भी बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन है। चार्ट पे देखेंगे क्या सपोर्ट लेवल है, कहाँ तक गिर सकता है। उससे पहले जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात दिखाना चाहता हूँ वो ये देखिए आप। इन नंबर्स को मैं हर वीडियो में जरूर दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको समझ में आई चीज़ें। और ये 7,000 का पॉइंट, अब देखिए हर बार जब नया वीडियो बनाता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए इस बार का जो डेथ काउंट है 7,000 को पार कर चुका है। जरा देखें टोटल डेथ का 8% रेट है, देखें। और अगर मैं ओवरऑल देखूँ यहाँ पे आज की डेट में 162 कंट्रीज जो है ऑलरेडी कैप्चर हो चुकी है। इटली के अंदर अभी आंकड़ा आया है आज का, बिल्कुल लेटेस्ट ये आंकड़ा है, 350 लोग आज में, ये देखिए एक दिन के अंदर, पिछले 24 घंटे के अंदर 350 लोग यहाँ पे खत्म हुए हैं, डेड बॉडीज। मतलब समझे इस चीज़ को, दिस इज द, मैं कहूँगा यही तो पॉइंट है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये स्थिति को इंडिया के अंदर अभी नॉर्मल में लिया जा रहा है। बहुत ही क्लियर कट 3,000 लोग नए पाए गए हैं, नए केसेज आए हैं, और 350 लोग खत्म हो चुके हैं, इस पॉइंट को लोग समझ नहीं रहे। ईरान के अंदर 129 यहाँ पे डेथ निकली थी एक दिन के अंदर, ये बहुत ही बड़े नंबर्स हैं, इनको देखिए आप। स्पेन को देखिए 335 टोटल डेथ हो चुकी है, नए केसेस पूरे यूरोप को कवर कर रहे हैं। इवन जर्मनी में देखोगे तो 1,000 नए लोग आज निकले हैं। स्विट्जरलैंड को देख लीजिए, नेदरलैंड को देख लीजिए, नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, सबको देख लीजिए किस तरीके से नंबर बढ़ रहा है। अगर आप बात करते हैं इस तरीके से नंबर बढ़ते जा रहे हैं, इंडिया 129 पे है। इसीलिए मैं आपको इन्फोसिस के शेयर के बारे में बता रहा हूँ। इन्फोसिस का शेयर नो डाउट दिस इज अ क्वालिटी शेयर एंड वेरी गुड शेयर, नो डाउट, अमेजिंग शेयर, डेट फ्री शेयर हर तरीके से, बट दिस इज नॉट द टाइम टू बाय। क्यों?
अब आप कहोगे ऐसा क्यों कह रहे हो, हम एवरेज कर सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन एवरेज इट आउट, बट अभी इतनी बड़ी गिरावट है, डाउ जोन्स देख लीजिए पूरा अमेरिकन मार्केट खत्म पड़ा है, 1800 1900 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है, नेस्डेक 600 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है। आज की अगर आप डेट में देखो तो किस तरीके से सुबह सुबह डाउ जोन्स में कितनी बड़ी गिरावट आई थी, कहाँ देखिए देखिए 23,000 से सीधे गिर के 20,500 के लेवल पे आया था। आप ये तो डाउ जोन्स है, इसको छोड़िए नेस्डेक को देखिए कितनी बड़ी गिरावट थी, 8,000 से सीधे 7,000 पे आ गया था, 1,000 पॉइंट की गिरावट। अब इन्फोसिस को अब देखते हैं, इन्फोसिस का मोल भाव करते हैं, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मंथली चार्ट है, बड़े चार्ट को इसलिए कह रहा हूँ ताकि लंबे टाइम के मेरे पास डिटेल आ पाए। 430 का लेवल हम क्यों आपके सामने दिखा रहे थे, 430 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है 430 का, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट है, ये इमीडिएट सपोर्ट है और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। जैसा कि मैंने टेक्निकल एनालिसिस वाले मेंबर्स को ऑलरेडी बता रखा है कि भाई जो ये सपोर्ट होते हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग जॉइंट होते हैं, मतलब कि मंथली बेसिस के मैं कहूँगा ये जो जॉइंट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसके साथ साथ ये पुराना जो है रेजिस्टेंस लेवल भी है, तो ये लाइन को एक्सटेंड करोगे तो हमारे पास यहाँ पे 430 का डबल सपोर्ट है। लेकिन अगर यहाँ पे मिलता है आपको तो आप सोचोगे खरीद लेना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि एक खरीदारी के बाद, एक गिरावट के बाद एक रिकवरी जरूर देखें, तभी खरीदें तो बढ़िया। जैसे इस करेक्शन में ये रिकवरी हुई थी, इसके बाद थोड़ा ऊपर खरीद लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट कंसोलिडेट तो होने दीजिए मार्केट को। ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी, ये देखिए गिरावट की लेग चल रही है पूरी की पूरी, आप इसमें बीच में नहीं खरीद सकते कहीं पे भी, थोड़ा कंसोलिडेट हो। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे और डिस्काउंट की, अब आपको गया 430 की बात कर रहे थे, आप तो कह रहे थे और डिस्काउंट मिल सकता है। देखिए और डिस्काउंट की अगर बात आती है तो ये देखिए ये लेवल 350 का ये लेवल है, ये भी सपोर्ट का काम कर सकता है, लेकिन सबसे बेहतरीन सबसे अमेजिंग सपोर्ट है जिसको तोड़ना बहुत टफ होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, यानी कि 270-280 का ये जो लेवल है, 250 से लेके 290 का ये लेवल, ये काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है। लेकिन अब आप कहोगे यार इन्फोसिस का शेयर 270 रुपये में, क्या बात करते हो यार, आप इतने सस्ते में कैसे मिलेगा ये 270-300 रुपये में, मतलब करंट रेट से भी आप तो हाफ रेट पर मिल के। देखिए गिरावट की, हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे नीचे तक आ जाएगा ये, लेकिन ये सपोर्ट लेवल्स हैं और खरीदना तभी है, ये नीचे आ सकता है तो यहाँ पे खरीदना। आप कहोगे कौड़ी के भाव मिल रहा है खरीद लेते हैं, डेफिनेटली लोग रिस्क लेते हैं, अच्छी चीज़ है, रिस्क लेनी भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एटलीस्ट ये तो देखें कि मार्केट कंसोलिडेट होने लगी, मार्केट में जो डर है वो निकलने लग गया। और यहाँ पे जो डर है वो बड़ा डर है, वो कोरोना का डर नहीं है, वो बिजनेस ठफ होने का डर है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे इन्फोसिस को भी बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है उन पे भी अपना जो रिवेन्यू है वो काटना पड़ सकता है। इस चीज़ को समझें, जब कंपनीज का जब बाहर कस्टमर निकल के ही नहीं आएगा तो दुकान में सेल कैसे होगी, यही चीज़ समझें। अभी आप कहोगे यार खाने पीने का आइटम तो बिकेगा, डेफिनेटली खाने पीने का आइटम तो जैसे तैसे निकल जाएगा, लेकिन बाकी जगह पे जब कस्टमर बाहर निकल के ही नहीं आएगा तो काम कैसे होगा। अब एग्जिस्टिंग काम जो इनके पास पड़ा हुआ है उसको तो ये कंप्लीट करेंगे, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको अभी जो क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, फिर अगले क्वार्टर्स आएंगे, उन पर भी देखने को मिलेगा। ये बहुत ही बड़ा डेंजर जो ग्लोबल लेवल पर क्रिएट हुआ है, और मुझे लगता है इसको अभी कई क्वार्टर लग जाएंगे फुल करने में, फिल होने में इस चीज़ों को। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल बता रहा हूँ। ये तो मेरा मंथली चार्ट की डिटेल थी, और अगर मैं यहाँ पे आपको 2008 के बारे में बताऊँ तो 2008 में जो बड़ी गिरावट आई थी तब ये शेयर 300 रुपये के लेवल से 130 रुपये के लेवल तक चला गया था। जरा सोचे 300 रुपये के लेवल से 130 रुपये के लेवल तक, इतना बड़ा, इतनी बड़ी गिरावट, और अभी के टाइम पे तो मैं ये कहूँगा कि ये 850 के लेवल से नीचे गिर रहा है, तो बड़ी करेक्शन एक्सपेक्टेड है और वो चल रही है, और थोड़ा रिवाइवल। जैसे कि अगर मैं 2008 के टाइम पे भी देखूं तो देखिए इम्पल्स, करेक्टिव इम्पल्स, अब आप देख सकते हो यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे खरीदा होगा, भाई जंप कर गया, देखिए उसके बाद फिर ये नीचे आ गया। ये तो मंथली चार्ट है, मैं आपको लेके चलता हूँ देखिए वीकली चार्ट पे। जरा वीकली पे देखें और इस डाउन ट्रेंड को आप देखिए किस तरीके से रिवाइवल के बाद ये मेजर पॉइंट्स थे। जरूरी नहीं कि आप 430 में खरीदें, आप 500 रुपये में खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये तो पता लग गया कि मार्केट जो है, ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है, अब पॉजिटिविटी दिख रही है, बाइंग वॉल्यूम अच्छा देखने को मिल गया, ये चीज़ तो देखने को मिला। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3-4 हफ्तों में कहाँ से कहाँ शेयर पहुँच गया, और मुझे लगता है कि अभी द रियल पेन बाकी है, रियल पेन बाकी है। जरा क्रूड ऑयल को देख लीजिए, क्रूड ऑयल में इतनी भारी गिरावट चल रही है, 9-10% के आसपास ब्रेंट क्रूड गिर चुका है, WTI क्रूड ऑलरेडी इतने नीचे गिर चुका है, तो ये सारे, ये ग्लोबल रिसेशन जो आ रखा है, ये और भी पेन मुझे लगता है बाकी है। तो इसीलिए अच्छे शेयर्स की आप लिस्ट बना लीजिए, नो डाउट, और अभी स्मॉल कैप और मिड कैप से थोड़ा सा दूरी रहें तो ही बढ़िया, क्योंकि लार्ज कैप में जब इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी, इतनी बड़ी गिरावट दिख रही है, तो स्मॉल कैप और मिड कैप का तो क्या ही हाल है, वहाँ तो और भी हाल बुरा है।
फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा डिटेल। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस जो हमने ये सीरीज बना रखी है उसको ज्वाइन कर सकते हो, इस तरीके से चीज़ें आपको सारी समझ में आ जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।